नमस्कार दोस्तों मैं है सिद्धार्थ और मैं स्वागत करता हूं आप सभी बिल्लो का फिर से एक बार बैंकर्स अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कल है एग्ज़ाम और चार को भी एग्जाम है तो बहुत सारे एग्जाम्स लगे हैं तो इन्हीं एग्जामिनेशन में आप सभी बिल्कुल को लास्ट मिनट टिप देने के लिए आपके सिद्धार्थ से जुड़े हैं कल है दोस्तों एग्ज़ाम एन असिस्टेंट का है ना तो आप सभी बिल्कुल को बहुत सारा ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से मेरी पूरी टीम की तरफ से इंग्लिश में रीजनिंग में मैथ्स में कैसा रहेगा कल का एग्जाम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं बट सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या स्कोर रह रहा है आप लोग का आ, ये अच्छी बात है कि यहां पे कुछ बच्चे हैं जो मैं देखता हूं कि वो लगातार लगे हुए हैं देखो आप मेहनत कीजिए कौन सा दरवाजा खुल जाए आपको नहीं पता तो बस अपनी मेहनत करते रहिए एंड यकीन मानिए सिलेक्शन तो होना ही होना है आज नहीं तो कल होगा सिलेक्शन बस आपको अपनी कंटिन्यूटी दिखानी है सिलेक्शन के लिए आपको अपना एफर्ट्स डालना होगा और कब किस्मत का दरवाजा खुल जाए ये आपको भी नहीं पता किसी को भी नहीं पता बट हां जो कंसिस्टेंट रहते हैं वो आज नहीं तो कल सिलेक्शन लेते ही लेते हैं सो तो कल एग्जाम है मधुष्मिता यहां पर है माधुरी है इन दोनों का एग्जाम कल है मेरे से बात भी हो रही है इनकी व्हाट्सएप पर तो बेस्ट देना ही कल आप लोग को अपना और अगेन मैं एक बात बोलूंगा कि एग्जाम दोस्तों है एन आई ए सी एल यहां पे शब्द आया है असिस्टेंट का तो असिस्टेंट लेवल का एग्जामिनेशन यहां पे होने वाला है तो आप क्या सोच रहे हो कि बहुत डिफिकल्ट आएगा एग्जाम क्या एग्जाम लेवल बहुत ही ऊपर जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एग्जाम असिस्टेंट लेवल का ही आएगा आप इस एग्जामिनेशन को कंपेयर कर सकते हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स से एस बी आई क्लर्क प्री से आप कंपेयर कर सकते हो इस एग्जामिनेशन को आप कंपेयर कर सकते हो आई बी पी एस क्लर्क प्री से आप कंपेयर कर सकते हो यही कल रहने वाला है बहुत ही आराम से आप कर लोगे तो अगर मैं बात करूं कल के एग्जामिनेशन में कितना बेहतर रहेगा आपका स्कोर तो मैं यही बोलूंगा कि जितना आप कर पाएँ कोई लिमिट नहीं है सौ so क्वेश्चन आपके आने वाले प्री में क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश जितना आप कर पाएँ उतना ही बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए बेस्ट देना है आपको अपना इस बात को ध्यान रखिएगा यू हैव टू गिव द बेस्ट ऑर्डर टू गेट सिलेक्शन तो कोई लिमिट मैंने नहीं मान दिया कि आपको एट्टी प्लस, प्लस करना है जितना आप बेस्ट कर सकते हैं एट्टी परसेंट के ऊपर के मौके में ला रहे हैं 80 प्लस तो आप आराम से कल के एग्जामिनेशन में मुझे लगता है कि आप नाइनटी प्लस खेल के आएंगे तो तीन सेक्शन आपके आने वाले हैं कल है ना थोड़ा टेंशन हो रहा है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है तो कट ऑफ का बहुत डर लग रहा है रोहित देखो यार अपना एफर्ट्स बेस्ट दो एस बी आई ट को भी लेके ये भी था मन में कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है कट ऑफ कराएगा देखो बहुत ही कट ऑफ कम गया तो आप ये मत सोचो कि क्या होने वाला है कट ऑफ के बारे में यू हैव टू गिव द बेस्ट अपना बेस्ट दो और अच्छा ही होगा और अपने सिलेक्शन के लिए सोचिए किस कि तरह से मेरा सिलेक्शन हो सकता है उसके बारे में सोचिए है, है ना तो टेंशन लेने वाली बात तो पहले नहीं है रिलैक्स होकर जाओ कल एग्ज़ाम है आप लोगों को हमेशा लास्ट लास्ट में टिप्स देते हैं इस बार फिर से अगर बात करें यहाँ पे क्वांट सेक्शन की तो क्वांट्स की अगर बात करें तो आराम से आप कल के एग्जामिनेशन में आप टारगेट कर सकते हो आराम से थर्टी प्लस आराम से कर सकते हो आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के आप आराम से थर्टी प्लस कर सकते हैं बिकॉज आपको जो थर्टी फाइव क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें स्पीड मैथ्स की बात करें तो असिस्टेंट लेवल का एग्जाम एक, है तो स्पीड मैथ्स के मान चलो कि पंद्रह से ज़्यादा सवाल आपके आने वाले हैं स्पीड मैथ्स में फिर अगर बात करें अर्थमेटिक के तो अर्थमेटिक के दस सवाल रहेंगे रहेंगे अगर आपकी स्पीड मैथ्स के पंद्रह क्वेश्चन आ गए तो फिर आपका डी जो रहेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा दस क्वेश्चन और अगर स्पीड मैथ्स के आपके बीस क्वेश्चन आ गए तो डी आपका रहेगा पाँच तो बट अर्थमेटिक आपका कन्फर्म है दस ही आएगा और ध्यान रखना अर्थमेटिक जो रहेगा वो आपका लीनियर सवाल रहेगा

पांच सवाल कम भी करते हैं तो आप बेटर हैं जिसने नाइन्टी किया है और उसके पांच सवाल गलत हो गए है ना दो बच्चे हैं एक नाइन्टी किए बट उसको लग रहा है कि यार मेरा नाइन्टी फाइव परसेंट एक्यूरेसी है पांच छह सवाल गलत हो सकते हैं आपने एट्टी फाइव किए बट आपको लग रहा है कि आपकी एक्यूरेसी हंड्रेड परसेंट है तो आप फार बेटर हैं उस नाइन्टी वाले से जिसने कुछ गलती की है तो जितना भी कीजिएगा एक्यूरेसी के साथ में करिएगा मैम आ गई है यहाँ पे तो मैथ्स मैथ्स में मैस के लिए मेरा रहेगा कि आप आराम से थर्टी परसेंट करो और रिलैक्स रहो और तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है अच्छा ही होगा आपने पढ़ा अच्छा है तो एग्जाम भी अच्छा होगा चिल मारो कल जाओ एग्जाम करके आओ और हमें फोन करो और बताओ कि एग्जाम में क्या आया बिल्कुल सो हाई एवरी वन मेरी गुड आफ्टरनून ऑलरेडी सिद्धार्थ सर काफी कुछ आप लोगों के साथ इधर डिस्कस कर चुके हैं सो so, पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोल रही होती हूँ वो ये है कि एक बार डायरेक्शंस को प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा कई बार जैसे हमें पता होता है कि टाइमर चल रहा है हमें जल्दी जल्दी पेपर पूरा करना है तो बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं जल्दबाजी में डायरेक्शन सही से नहीं पढ़ पाते हैं मैंने आपको पहले भी बोला है मैं फिर बोलती हूँ कि डायरेक्शन्स प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है मैं खासकर इंग्लिश की बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ अब जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है अभी पिछले हाल फिलहाल के कुछ एग्जाम्स में उसमें यह है कि जो पूछा जा रहा है उसमें ही थोड़ी सी ट्विस्टिंग कर दी जा रही है तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रहे कि कौन सा सही है वो पूछ रहा है या कौन सा गलत है ये पूछ रहा है इस चीज़ की थोड़ी सी समझ आप जो है वो रखें और ये समझ कैसे बनेगी आपकी डायरेक्शंस को पढ़ के बनेगी तो डायरेक्शंस को अच्छे से ज़रूर पढ़ ले प्लस जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के बेसिस पर आंसर आंसर दे अपना क्या थॉट चल रहा है आपको क्या लग रहा है वो लगना वगना या कुछ नहीं होता जो सेट ऑफ रूल्स आप लोगों से खाए गए हैं जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है वैसे ही अटैम्प्ट करें रही बात आपके कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन की तो मैं हमेशा ही आप लोगों को ये सलाह दे रही होती हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन को प्लीज़ बाद में अटैम्प्ट कीजिएगा कॉम्प्रिहेंशन को अगर आप शुरुआत में ही अटैम्प्ट करेंगे तो देर आर चांसेस कि कहीं आप फंस ना जाएं तो अपने क्वेश्चन पेपर में जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन है जैसे कि पैरा पैराजॉम्बल है क्लोजटेस्ट है या फिर आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें आप फस ना जाएँ स्टार्टिंग में इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को लास्ट में अटैम्प्ट करना होता है अगेन सबसे ज़रूरी चीज़ आपका कॉन्फिडेंस ही है कई बार बच्चे टाइमर को देखकर या भीड़ को देखकर घबरा जाते हैं या पेपर के पहले कई दफा ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो वहाँ पर किसी से बात कर लेते हैं और जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने आए होते हैं और वो बच्चे उनको बताते हैं कि आ, मैंने तो पिछली बार ये वाला पेपर भी निकाल लिया था ये भी निकाल लिया था तो ऐसे में बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है प्लीज़ अवॉइड टॉकिंग टू एनी वन देयर इन दी एग्जामिनेशन सेंटर मतलब अराउंड दैट एरिया वहाँ पर कोई भी हो आप थोड़ा सा अवॉइड करें बातचीत यार ना करें बेकार डीमोटिवेशन हो जाएगा तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी है ना बाद में भले ही डिस्कस कर लें क्योंकि जो होना था वो तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं पेपर में बाद में डिस्कस करें चलेगा शुरुआत में पहले पेपर के न किसी से बातचीत ज़्यादा करें और रही बात यहाँ पर कि सेफ स्कोर क्या होगा देखो सेफ स्कोर जो है वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा बट हाँ इतना ज़रूर है इतना मैं आप लोगों को कह सकती हूँ कि आउट ऑफ थर्टी अगर देखा जाए तो आप जो है वो यहाँ पर आ, मैं कह, कह सकती हूँ कि आप आराम से 20 प्लस स्कोर तो सारा बच्चे कर सकते हैं और अगर आप रेगुलर बेसिस पर हमारी क्लासेस अगर आप अटेंड कर रहे हैं ठीक है तो आपका स्कोर 25 प्लस भी जा सकता है बट अगेन अभी मुझे नहीं पता कि लेवल का पेपर क्या है आपको भी नहीं पता पेपर का लेवल क्या है ईजी रहेगा डिफ़िकल्ट रहेगा या मॉडरेट की तरफ इंक्लाइन रहेगा नोबडी नोज़ दैट राइट तो इसलिए अभी से अपने दिमाग में कोई एक नंबर सेट करके रखना इज़ नॉट द राइट थिंग इसलिए अपने आप को नंबर से नहीं बाइंड कीजिएगा बस इतना बोलूँगी कि जितना आप ओपनली खुश हो के कॉन्फिडेंस के साथ अटैम्प्ट कर सकते हैं उतना अटैम्प्ट कीजिएगा एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करने की आपको यहाँ पर कोई नीड नहीं है सर हाँ बिल्कुल यही बोलेंगे और रीजनिंग में भी यार मैम ने जैसे बोला इंग्लिश पे मैंने बोला मैथ्स में तो वही बात रीजनिंग में भी अप्लीकेबल होती है आपको जितना आता है उतना करिए सही कीजिएगा एक्यूरेसी पे मैटर ध्यान रखिएगा कि एक्यूरेसी आपकी पूरी मेंटेन रहे थ्रू आउट द सेक्शन चाहे मैथ्स हो चाहे वो इंग्लिश वो रीजनिंग हो और रीजनिंग में भी आपको आपको पता है यार पैंतीस क्वेश्चन आने वाले हैं और रीजनिंग में आप आराम से आप एस बी क्लर्क में तीस प्लस करके आए तो यहाँ पे भी इतना ही टारगेट कीजिएगा सेम आप उसको एस बी क्लर्क के प्रॉब्लम एग्जामिनेशन से कंपेयर कर सकते हैं सेम रहने वाला कुछ भी फर्क नहीं रहने वाला है बस अच्छे से जाइएगा एग्जाम तक जाइएगा बाकी ऑल द बेस्ट आप हां, रितेश, आप सभी को को रितेश आराम से कॉल करना मैम या मुझे जिसको भी कॉल कर सकते हो एग्जाम के बाद तुरंत कॉल करना हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि क्या रहता है कल के एग्जाम अच्छा ये भी बता दीजिए रितेश कि कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम है हाँ दो शिफ्ट में एग्जाम है एक आपका साढ़े बजे पेपर छूटेगा रिपोर्टिंग और एक उसके बाद रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग है कि वन थर्टी की आ, है की तो एग्जाम आपका बजे छूटेगा हाँ मैं वही बोल रही हाँ, थी साढ़े तीन बजे एग्जाम छूटेगा और फिर एक आपका शाम के बजे तक है ठीक है ठीक मतलब छह बजे एनालिसिस लगा हुआ है छह साढ़े छह बजे अनालिस हाँ, है ठीक है तो आप लोग का एग्जाम जिस भी शिफ्ट में है एक बार हमें बता दीजिएगा हमारे में से किसी के पास मतलब हम में से किसी का भी कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है तो कॉन्टेक्ट भी जरूर कर लीजिएगा ठीक है और राइट देन अभी के लिए